कहानी है रामपुर गांव की, जिसमें एक लकड़हारा रामू अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था। रामू जंगल से लकड़ी काटकर बाजार में बेचा करता था और इसी तरह रामू अपने परिवार का गुजर बसर करता था। अप्रैल का महीना आ चुका था और गर्मी अपने चरम सीमा पर थी। वैसे तो रामपुर गांव में तापमान 40 डिग्री तक जाता था, लेकिन इस बार गर्मी से तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया था। दिन हो या रात, सभी लोग गर्मी से बेहाल हो रहे थे। इस साल गर्मी बहुत बढ़ गई है, बाहर तो ऐसा लग रहा है जैसे सारा शरीर भट्टी में दे दिया हो। हाँ, आप सही कहते हो। हमसे तो अच्छे वह अमीर शहर वाले लोग हैं जो एसी में रहते हैं, और हम इतनी गर्मी में कूलर भी नहीं खरीद सकते। पता नहीं भगवान हमें कौन से जन्मों की सजा दे रहा है। सुनिए, कुछ करके हमें इस गर्मी में कूलर दिला दीजिए। अगर कूलर चलेगा तो हमारा घर एकदम ठंडा हो जाएगा, और आप भी गर्मी से थके हारे घर आते हो, आपको भी इस सड़ी गर्मी में आराम मिल जाएगा। तभी बल्लू और पिंकी बोलते हैं, हाँ पापा, हमें भी कूलर दिला दो ना, बहुत गर्मी लगती है। परसों जब हम जमींदार जी के घर दावत पर गए थे तो वहाँ बड़े कूलर लगे थे, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। हमें भी दिला दो ना कूलर पापा। सुषमा, तुम तो जानती हो कूलर सिर्फ जमींदार के और गांव के कुछ अमीर लोगों के पास ही है, और मैं इतना कमाता भी नहीं हूँ जो तुम सबको कूलर दिला सकूं। इतना कहकर रामू वहां से कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल जाता है। चलो बच्चों, जाओ अपने स्कूल का काम करो, लगता है हमारा कूलर का सपना एक सपना ही रह जाएगा। हे भगवान, मैं क्या करूं, मैं सुषमा और बच्चों की कूलर की इच्छा पूरी करना चाहता हूं, लेकिन मैं क्या करूं, लकड़ियां बेचकर तो खाना ही खा पाते हैं हम, बस यह कूलर कहां से लाऊं। चलो आज लकड़ियां बेचकर कूलर की दुकान से उसका रेट पता करता हुआ आऊंगा। रामू जंगल पहुंचकर लकड़ियां काटता है और उन लकड़ियों को बेचकर पास में एक कूलर की दुकान पर जाता है। भैया, यह कूलर कितने का है? यह 4,000 का है, बिल्कुल एसी की आवाज़ है। और यह बड़े वाला कूलर 8,000 का है, यह तुम्हारे घर के अलावा आसपास के घरों में भी ठंडक पहुंचा देगा। तो बताओ कौन सा कूलर लेना है तुमको? नहीं भैया, मैं अभी बस रेट पता करने आया था, मैं बाद में आता हूँ। रामू सोचते सोचते जा रहा था, रास्ते में एक कबाड़ी वाले की दुकान पड़ती है और रामू की नजर एक पुराने कूलर पर पड़ती है। अरे भैया, यह कूलर चलता है क्या? हाँ भैया, एकदम चलता हुआ कूलर है, 8,000 रुपए का है, 1,000 दो और ले जाओ। कुछ कम हो सकता है क्या भैया? नहीं नहीं, कुछ कम नहीं होगा, लेना हो तो लो वरना आ जाओ। क्या करूं, इतना सस्ता कूलर, लेकिन मेरे पास तो 1,000 रुपए भी नहीं है। रामू सोचता है क्या करूं, फिर उसका ध्यान गांव के जमींदार पर जाता है जो गरीब लोगों को पैसे देकर उनकी मुसीबत में मदद करते हैं। हाँ, यह सही रहेगा, जमींदार जी से पैसे लेकर कूलर ले लेता हूँ और इस बार ज्यादा लकड़ियां काटकर बाजार में बेचूंगा और जमींदार जी के सारे पैसे लौटा दूंगा। रामू जमींदार के पास जाता है और उनसे 1,000 रुपए की बात करता है। जमींदार रामू को पैसे देने के लिए राजी हो जाते हैं। ठीक है रामू, मैं तुम्हारी बात सुनकर तुम्हें 1,000 रुपए देता हूँ। जैसे तुमने कहा, तुम एक महीने में ये पैसे लौटा दोगे, तो इस बात का ध्यान रखना। जमींदार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इन पैसों का कितना ब्याज देना पड़ेगा? अरे रामू, इन 1,000 रुपए का मैं क्या ही ब्याज लूंगा, तुम बस समय से पैसे लौटा देना मुझे, आगे भी लोगों को पैसे देने पड़ते हैं। रामू जमींदार से पैसे लेकर सीधा कबाड़ी वाले के यहाँ जाता है और कबाड़ी वाले को 1,000 रुपए देकर कूलर लेकर घर आ जाता है। घर में सब कूलर को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अरे, आप ये कूलर कहाँ से लाए? आपकी कोई लॉटरी लगी है क्या?
अरे भाग्यवान, सबर करो, बता रहा हूँ। यह कूलर मैंने कबाड़ी वाले से 1,000 रुपये में खरीदा है और 1,000 रुपये मैंने जमींदार जी से लिए थे। इस महीने थोड़ी ज़्यादा मेहनत करके मैं जमींदार जी के सारे पैसे लौटा दूंगा। चलो अब ये कूलर चलाते हैं और देखते हैं ये कैसी हवा देता है। जैसे ही रामू कूलर चलाता है, उसकी ठंडी हवा से सब बहुत खुश हो जाते हैं। आहा, मजा आ गया, इतनी ठंडी हवा। अब इस गर्मी से हमें छुटकारा मिल जाएगा। अब यह गर्मी हमारी हंसते हंसते बीत जाएगी। हाँ पापा, बहुत ठंडी हवा आ रही है। अब यह बात धीरे धीरे गांव में फैलने लगती है कि रामू के घर कूलर आया है, क्योंकि कूलर लेना गरीब लोगों के बस की बात नहीं थी। कूलर केवल जमींदार या कुछ गांव के अमीर लोगों के पास ही था। एक दिन गांव में कुछ लोग बात कर रहे थे। अरे भाई सुनो है, रामू के घर कूलर आया है। क्या बात करते हो लाला भाई, उस गरीब के पास कूलर कैसे? वह तो गांव में कहता फिरता है, उसकी बहुत कम कमाई होती है। भाई मैंने रामू को कल जमींदार जी के पास जाते देखा था, लगता है उसने उन्हीं से पैसे लिए हैं। कुछ दिन पहले मेरी भी पत्नी कूलर के लिए बोल रही थी। मैं कल रामू से पूछूंगा कि वह कहां से और कैसे लाया है वह कूलर। अगले दिन रामू कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ जा रहा था, उसे रास्ते में लाला मिलता है। अरे रामू भाई, हमने सुना तुमने नया कूलर लिया है। अरे नहीं भाई, पुराना कूलर है जो मैंने कबाड़ी वाले से मात्र 1,000 रुपये में लिया है और 1,000 रुपये मैंने जमींदार जी से लिए थे। बच्चे और सुषमा बहुत जिद कर रहे थे और नया कूलर लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मेरी किस्मत अच्छी थी जो मुझे ये कबाड़ी वाले से मिल गया। सही है रामू भाई। हाँ भाइयों, मैंने रामू से बात की थी, उसने जमींदार जी से उधार लेकर कूलर खरीदा है। चलो भाई अच्छा है, रामू ने कूलर ले लिया, अब वह मेहनत करके सारा कर्ज चुका देगा। अरे सुनिए, जल्दी से कूलर का जुगाड़ कीजिए, सभी मेहमान घर पर हैं, बहुत गर्मी हो रही है, सब बेहाल हो रहे हैं। ज्योति, तुम जानती हो बेटी की शादी में अभी कितना खर्च हो चुका है और अभी बेटी की विदाई भी है, उन सबके लिए भी तो पैसे बचाने हैं। वह सब मैं नहीं जानती, आप कुछ जुगाड़ कीजिए, वरना लड़के वाले क्या सोचेंगे कि हम लोग कितने गरीब हैं, कि हमारे घर में एक कूलर भी नहीं है। आप कहीं से ले आइए बस एक कूलर। दयानंद को रामू के कूलर की बात याद आती है। ठीक है, तुम मेहमानों को जूस पिलाओ, मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ। दयानंद रामू के घर आता है। रामू भाई, मुझे तुमसे कुछ काम है। हाँ दयानंद जी, बोलिए। रामू भाई, मेरी बेटी की शादी है और सभी मेहमान गर्मी से बेहाल हो रहे हैं, मुझे कुछ दिनों के लिए तुम्हारा कूलर मिल सकता है क्या? मैं प्रत्येक दिन के हिसाब से तुम्हें पैसे दे दिया करूंगा। दयानंद जी, हमारे पास एक ही कूलर है, अगर वह हम आपको दे देंगे तो हम कूलर की हवा कैसे खाएंगे। अरे सुनिए जी, इनकी बिटिया की शादी है, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। दयानंद जी आप कूलर ले जा सकते हैं, बदले में आप प्रत्येक दिन के 20 रुपए दे दिया करना। रामू दयानंद को कूलर दे देता है और दयानंद कूलर लेकर वहां से चला जाता है। सुनिए जी, मेरे दिमाग में एक विचार आया है, क्यों ना हम कूलर को ऐसे ही किराए पे दिया करें, क्योंकि गांव में सभी लोगों को किसी न किसी समारोह में कूलर की जरूरत अवश्य पड़ेगी, तो इससे हमें कुछ पैसे भी मिल जाएंगे और लोगों की मदद भी हो जाएगी। लेकिन भाग्यवान, हमारे पास एक ही कूलर है और अगर हम ऐसे ही किराए पर कूलर देते रहेंगे तो तुम हवा कैसे खाओगी? जी कुछ दिनों की ही तो बात है, कूलर किराए पर देने से जो भी पैसे आएंगे हम उन्हें जमा करके एक और कूलर ले आएंगे, इससे हमारे पास 2 कूलर हो जाएंगे। ऐसे ही रामू कूलर को गांव वालों को किराए पर देता रहता है और कुछ पैसे जोड़कर वह जमींदार को उसके लिए हुए पैसे लौटा देता है।
और कुछ दिन बाद कबाड़ी वाले से बात करके एक और कूलर खरीद लेता है। अब रामू के पास दो कूलर हो जाते हैं। एक दिन रामू के घर दो व्यक्ति आते हैं। रामू भैया, मुझे आपका कूलर किराए पर चाहिए 2 दिनों के लिए। मुझे भी रामू भाई कूलर चाहिए। भाई तुम कूलर 2 दिन बाद ले लेना, मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कूलर की। भैया मुझे भी कूलर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अरे अरे आप लोग शांत हो जाइए, अब हमारे पास 2 कूलर हैं, तो एक आप ले जाइए और दूसरा आप। रामू दोनों को एक एक कूलर दे देता है। दोनों कूलर लेकर चले जाते हैं। फिर रामू के घर एक और आदमी आता है। रामू भैया मुझे आपका कूलर चाहिए। भैया माफ करो, मेरे पास 2 कूलर थे, लेकिन आपके आने से कुछ समय पहले ही वह कूलर किराए पर लग चुके हैं। अब मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, कृपया मुझे माफ करें। इसी तरह रामू अपने कूलरों को किराए पर लगा लगा कर काफी पैसे जमा कर लेता है और कबाड़ी वाले से बात करके कुछ और कूलर घर ले आता है। अब रामू के पास कई सारे कूलर हो जाते हैं और इसी तरह वह गांव के लोगों को कूलर किराए पर दिया करता था। सुषमा, मैं सोच रहा हूँ कि बाजार में मैं एक दुकान ले लूं और वहां से कूलर बेचा भी करूं और किराए पर भी वहीं से लगाया करूं। जी यह तो बहुत अच्छा विचार है। रामू ने बाजार में एक दुकान खरीदी और उस दुकान में छोटे से लेकर बड़े और नए से लेकर पुराने कूलर रखे हुए थे। जिसको भी नए कूलर चाहिए थे तो वह उन्हें नए कूलर दिया करता था और जो गरीब होता था तो वह कम दामों में पुराने कूलर दिया करता था। रामू की दुकान बाजार में खूब चलने लगी और रामू एक सफल व्यापारी बन चुका था। रामू ने अपने छोटे से घर को एक बड़े घर में बदल दिया और रामू के परिवार के सहित सारा गांव गर्मी को खुशी खुशी गुजरते हैं।